बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक रेखा, जो अपनी फिल्में और लाजवाब एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। यहाँ तक कि इनका विवादों और परेशानियों से भी गहरा नाता रहा है। रेखा की जिंदगी में कभी भी खुशियाँ ठहर नहीं पाई, प्यार भी मिला और शादी भी हुई, लेकिन फिर से सब अधूरा रह गया। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद रेखा ने बहुत कुछ झेला, जिसमें से एक कहानी ये भी थी कि एक एक्टर ने जबरन रेखा के साथ 5 मिनट तक किस किया, जिससे रेखा को गहरा सदमा भी लग गया था। तो आइए आपको बताते हैं आखिर कौन था वो एक्टर और क्यों ऐसी गंदी हरकत की उसने। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। आपको बता दें कि रेखा ने कम उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए रेखा की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई थी। साउथ की फिल्मों से रेखा बॉलीवुड में आई और उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में देना शुरू कर दिया। रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक उनकी 1969 में फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में रेखा लीड एक्ट्रेस थी, तो वहीं दूसरी तरफ लीड एक्टर के तौर पर विश्वजीत चटर्जी नजर आ रहे थे। लेकिन इस शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रेखा बुरी तरह से घबरा गई थी। दरअसल फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो में चल रही थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजा नवाथे। विश्वजीत और राजा ने प्लानिंग करके फिल्म के स्क्रिप्ट की डिमांड ना होते हुए भी जबरन किसिंग सीन डाला, और उस समय रेखा मात्र 15 साल की थी। उन्हें इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ, विश्वजीत ने रेखा को जबरन किस करना शुरू कर दिया था। 5 मिनट तक वह उन्हें किस करते रहे, वहीं क्रू मेंबर्स तालियां बजाते रहे। ना ही डायरेक्टर ने कट बोला और ना ही एक्टर रुके। इस सीन के बाद रेखा फूट फूट कर रोने लगी थी। रेखा ने अपनी आंखें ही नहीं खोली। कहा गया कि इस सीन के बाद उन्हें गहरा सदमा भी लगा था। रेखा जब होश में आई तब उन्होंने नाराजगी जताई, लेकिन विश्वजीत ने कह दिया था कि डायरेक्टर ने उनसे ऐसा करने को कहा था। ये विवाद काफी बढ़ गया था और ये मसला विदेश तक पहुंच गया। अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड भारत आए और उन्होंने रेखा का एक इंटरव्यू लिया था। इस विवाद के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर रोक लगा दी थी और 10 साल तक ये फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी रही, जिसके बाद फिल्म को कट करके नाम बदलकर दो शिकारी के नाम से फिल्म को फिर से रिलीज की गई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।